कई ऐसी घटनाएं घट जाती है, मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घट गई कि हम लोग शर्मसार इतनी तकलीफ में और आत्मग्लानी के हम लोग अब शिकार हो गए। समझ में नहीं आता है कि समाज में कैसी कैसी मानसिकता के लोग हैं। समाज कल्याण विभाग इसको चलाता है। अब कैसी मानसिकता के लोग कहां होते हैं, क्या करेंगे, जानकारी मिल गई तो कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है। और हमने तो अपने महाधिवक्ता महोदय से कह भी दिया है, एडवोकेट जनरल साहब से, और इसकी घोषणा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सदन में कर दी है कि भाई हम लोग तो चाहेंगे कि सीबीआई की इंक्वायरी हाईकोर्ट उसको मॉनिटर करे, उसकी मॉनिटरिंग में उसकी जांच होनी चाहिए ताकि कोई इसमें दोषी है वो बचे नहीं, सब मुख्य सचिव महोदय से भी कहा है। अभी तीन दिन पहले चर्चा हुई, मुख्य सचिव थे, समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव थे, डीजीपी थे, सारी बातों की हम जानकारी ले रहे थे और हमने कहा कि अपने स्तर से गंभीरता पूर्वक करिए और ये देखिए कि हमारे सिस्टम में क्या फ्लॉ है। जब तक कोई सिस्टम में फ्लॉ नहीं हुआ, कैसे लोग आ जाते हैं, क्या करते हैं, जिस तरह से कुछ करेगा कोई, और पूरी बदनामी और पूरी ग्लानी स्तर की घृणित घटना, ये पाप किया है, पाप कर्म है। तो सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम सबों को यह भी सोचना है कि भाई सिस्टम ऐसा हो, हमारा तंत्र इस तरह से विकसित होना चाहिए, हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं न घटें, और उसके लिए हम सबों को काम करना होगा और वो काम कीजिए। और मुझे जानकारी है कि मुख्य सचिव इस पर पूरी बात कर रहे हैं और हम लोगों के साथ भी विमर्श करेंगे, हम लोगों को भी जो लगेगा वो हम सुझाव देंगे और बताएंगे पूरी चीज को देखकर। तो एक एक चीज को मैं समस्त बिहारवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि समाज में कुछ ऐसी भी किसी प्रकार की घटना घटेगी तो हम लोग उसको टालते नहीं, सबक सीखना चाहिए। मैं जब तक हूं मैं समाज सुधार के लिए अपना काम करते रहूंगा और अगर सरकार में हूं तो मैं निश्चित रूप से बिल्कुल कानून का राज होगा और किसी तरह का समझौता नहीं होगा और कोई भी अभी अपराधी है उसको बिल्कुल कानून की अदालत में हम लोग खड़े करते रहेंगे ताकि उसको ऐसी सजा मिले कि इसका असर समाज पर पड़े और ऐसा काम करने से लोग बचने की कोशिश करें।